नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट सिंकिंग का ऑप्शन क्यों दिया गया रहता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है और उसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको प्रोफाइल आइकॉन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट सिंकिंग का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनेक्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको जिसी यहाँ से इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी नंबर सेव होगा और उस नंबर से जो भी लोग इंस्टाग्राम बनाए होंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाते होंगे, तो उसका यहाँ पर आईडी आपको इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे शो करेगा। तो चलिए इसको बताते हैं कि वह कैसे शो करता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करना है और आप जैसे ही ऊपर में इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजेस्ट फॉर, यहाँ पर फॉर यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमारे मोबाइल में जो भी नंबर सेव है और उससे जो भी अकाउंट बनाया गया है यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट सिंकिंग काम करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट सिंकिंग क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।